के हैं, हम बात करें इनसे। सर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यातायात को लेकर, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? यातायात को सुगम बना के रखने के लिए हम लोग के ऊपर जिम्मेवारी है कि जब काउंटिंग चले उस समय इन करते समय में बहुत सारी भीड़ हुई थी, उसको कंट्रोल कराना था, उन लोगों को पार्किंग कहाँ विधिवत दिखाना था। उसके बाद जब काउंटिंग ख़त्म होने के बाद जो धीरे धीरे भीड़ को निकलना शुरू हो जाएगा उस समय फिर थोड़ा थोड़ा यातायात का दबाव होगा, तो स्मूथली हम लोग को इनको निकलवा देना है। क्या नाम है आपका? ASI धर्मेंद्र चौधरी। हमारे साथ ASI धर्मेंद्र चौधरी जी थे, इन्होंने कहा कि जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है बिल्कुल दुरुस्त की गई है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे तैनाती की गई है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे समर्थक हैं, इनसे भी बात करेंगे कि अब लोग अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर किसकी होगी जीत और कौन चखेगा हार का स्वाद। फिलहाल हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है, क्या किस बात का? अभी तो काउंटिंग शुरू हुई नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि किनकी हार होगी किनकी जीत होगी। इस आशा में है कि जो आपके जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार हो, हम तो अपना जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई इस आशा में है कि हमारा जो कैंडिडेट है उनकी जीत होगी, और निश्चित रूप से यह आशा हो रखनी भी चाहिए। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, एक बार फिर से मैं आपको अपने सहयोग से मैं चाहूँगा कि इस यहाँ की व्यवस्था को दिखाएं, जो कैमरा घुमाएं और उधर दिखाएं कि किस तरह से वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। सारे पुलिस बल यहाँ की यहाँ तैनाती है, वहाँ पे पदाधिकारी हैं, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं ताकि शांतिपूर्ण ढंग से जो मतगणना का कार्य जो शुरू हो गया है, 8 बजे से काम शुरू हो गया है, यह शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो सके। हम आपसे हर समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल पटना से अमर उजाला डिजिटल के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।